नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक पर्सन व्यक्ति थे जिन्हें कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। वो बहुत ही लंबे समय तक श्वेत लोगों के अधीन थे, और वो भर नहीं, एक लंबे समय से श्वेत लोगों के अधीन वो सारे ब्लैक पर्सन थे, और सारे वो अधिकार भी इनके कैद थे जो कि इनको मिलने चाहिए थे। तो इसके खिलाफ़ इन्होंने एक लड़ाई छेड़ी। बहुत लंबे समय तक ये अपने परिवार से, अपने लोगों के साथ से अलग रहे, जेल में भी रहे, और एक लंबे समय के बाद जब इन्हें आज़ादी मिलती है तब यह चेहरा लोगों के सामने आता है जिसने अपने अश्वेत लोगों के लिए बहुत कुछ किया और एक अच्छे मुकाम तक अपने समाज को लेकर गए। और इन्होंने देश के लिए क्या किया ये हम लोग देखेंगे। आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सारे शॉर्ट और मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें पूरा, और यदि कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग लेकर आए हैं कहते हैं वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। मतलब यह तब की बात है जब इन्होंने सारी लड़ाइयों को जीतने के बाद में एक इनोग्रेशन रखा हुआ था, वह समारोह जो एक जीत के पक्ष में भी था, और सभी लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो इसमें यह बात पूछी जा रही है कि ये जो सेरेमनी रखी गई थी, ये जो समारोह रखा गया था, यह कहाँ पर रखा गया था। तो यह सेरेमनी जो रखी गई थी, तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन पेटोरिया। मतलब ये जो सेरेमनी थी, यह यूनियन बिल्डिंग जो कि पेटोरिया में स्थित है उसके एमपी थिएटर मतलब रंगशाला में रखा गया था, जो कि एक बलुआ पत्थर मतलब एक विशेष प्रकार के पत्थर से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। अब आपने हो सकता है कि ये पेटोरिया का नाम सुना हो या ना सुना हो, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसी जगह है जो कि साउथ अफ्रीका में एक खास जगह के अंतर्गत गिनी जाती है। इसकी आप चित्रों को भी देख सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग का चित्र है। एक प्रश्न और इसी से बनता है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स। क्या भारत में भी, यदि हम लोग भारत के निवासी हैं तो क्या हमें मालूम है कि भारत में भी कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि सैंड स्टोन पत्थर से बनी हुई है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। तो हाँ, हम कुछ बिल्डिंगों के नाम जानते हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं। तो द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली का जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी इसी पत्थर से बना हुआ है। द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी पत्थर का बना हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बना है वो भी इसी पत्थर से, और मद्रास का हाई कोर्ट ये भी आपका इसी पत्थर से बना हुआ है। तो इतने चीज़ों को मैं जानता हूँ तो मैंने आपको बताया, हो सकता है आपने इन चीज़ों को कभी ना देखा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये है आपका पार्लियामेंट है आपका न्यू दिल्ली में जो है उसकी बिल्डिंग है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति भवन है, ये चित्र आपके सामने आ रहा है, ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है, ये भी आपका दिल्ली में है। तीसरा चित्र जो आ रहा है वह आपका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चित्र है आपका, और चौथा चित्र है वो चेन्नई हाई कोर्ट का है जो कि मद्रास में है आपका। ये आपके चारों चित्र आपके सामने हैं। ये चारों चीज़ें ये भी सैंड स्टोन पत्थर से ही बनाई गई हैं। तो आपके दो प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं कि ये जो प्रोग्राम था, ये इनोग्रेशन था, यह कहाँ पर रखा गया था। तो ये पेटोरिया में रखा गया था और एक विशेष प्रकार की रंगशाला में था, वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग में जो रखी बनाई गई थी। और क्या भारत में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इन पत्थरों का उपयोग हुआ है, तो हमने चार जगह आपको बता दी, और भी बहुत सारी जगह हैं लेकिन ये चार मुख्य जगह है जो हमने आपको बताई, और इसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि यूनियन बिल्डिंग आखिर है क्या। तो द यूनियन बिल्डिंग्स आर द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो यूनियन बिल्डिंग है वह गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की जो सरकार है उसका हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कॉल्ड द प्रेसिडेंसी, यहाँ पर जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको रखा जाता है, इज
आल्सो इन द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। यूनियन बिल्डिंग दक्षिण अफ्रीका सरकार का आधिकारिक मुख्यालय है, राष्ट्रपति का कार्यालय भी है जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता है, यह भी यूनियन बिल्डिंग के अंतर्गत है। ये इमारतें देश की 3 राजधानियों में से एक प्रिटोरियम में स्थित है। तो इसके बारे में जानकारी पर्याप्त है आपके लिए कि ये है क्या, देख लीजिए ये कैसा है ये यूनियन बिल्डिंग आपकी। ये इसका चित्र सामने बना हुआ है आपको। यहीं पर उस साउथ अफ्रीका में उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था जिसमें लाखों साउथ अफ्रीका के लोग सम्मिलित हुए थे। लगभग 140 देशों के सम्मानित सदस्यों को वहां पर बुलाया गया था, और भी श्वेत और अश्वेत सभी प्रकार के लोग वहां पर शामिल हुए थे। और उसी दिन आपके 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे वहाँ पर, एक श्वेत लोगों के लिए और एक अश्वेत लोगों के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ये वह जगह है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न इसी में आता है, कैन यू से हाउ 10 मई इज द अटमेंट डे इन साउथ अफ्रीका। 10 अफ्रीका, ये सॉरी 10 मई के बारे में आप क्या कहेंगे, जो साउथ अफ्रीका में ये जो दिन था उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो 10 मई इज अटमेंट डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज दिस डे देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो 10 मई का जो दिन था, इसको हम लोग पतझड़ का दिन भी बोलते हैं। 10 मई की जो पतझड़ का दिन था इन साउथ अफ्रीका में, बहुत खास था, क्योंकि ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन देर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत अधिक भीड़ हुई थी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत अधिक भीड़ थी ऑन साउथ अफ्रीका सोयल, मतलब साउथ अफ्रीका की इस धरती में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत अधिक भीड़ हुई थी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, मतलब पहली ऐसी लोकतांत्रिक सरकार जो कि नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, जो कि रंग भेद के विहीन थी, मतलब रंग भेद विहीन लोकतांत्रिक सरकार की गठन के लिए वहाँ पर एक बहुत लंबी भीड़ आई हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की थी। इसलिए 10 मई का जो दिन था वो कुछ खास माना जाता है, ठीक है। वो पतझड़ का महीना था वो, जिसमें इस तरह की भीड़ हुई थी, देख सकते हैं आप, कुछ चित्रों के द्वारा बताया गया है, कुछ इस तरह की भीड़ वहाँ पर हुई थी, जहाँ पर हर कलर के लोग वहाँ पर आए हुए थे, हर देश के लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, हर देश के खास खास लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उस देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मतलब वहाँ के जो मिलिट्री जनरल हैं उन्होंने क्या किया, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, उनका जो स्वभाव था वो कैसे परिवर्तित हुआ और क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं मिलिट्री जनरल के बारे में, ये वही मिलिट्री जनरल थे जो कि श्वेत लोगों की सरकार के दौरान नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर चुके थे और उनको जेल में रख चुके थे और उनको काफ़ी अधिक प्रताड़ना भी दी थी। ये वही मिलिट्री जनरल थे जो कि श्वेत लोगों के समय में इनके ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बने तो उन सभी का व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो गया और उन्होंने उन लोगों को छोड़कर इनके साथ एक शपथ ली कि हम आपके साथ आप पूरी निष्ठा के साथ रहेंगे और व्यवहार करेंगे। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेड दियर लॉयल्टी, मतलब यहाँ के जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के और डिफेंस के और पुलिस वाले, इन सभी ने सलूट किया मंडेला को और प्लेड दियर लॉयल्टी और अपने निष्ठा की उनके साथ शपथ ली। निष्ठा की शपथ का मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में अपने पद का निर्वहन करेंगे, इस चीज़ की शपथ ली। और इसी में एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है आपका, हाउ हैज दियर एटीट्यूड चेंज, उनका स्वभाव कैसे परिवर्तित हुआ। तो मैंने आपको बताया है कि दिस चेंज इज एटीट्यूड वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट न्यू नॉन रेसिकल गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड द एंड मंडेला वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब वहाँ पर एक नई सरकार का गठन हुआ था जो कि रंग भेद विहीन थी, जिसमें से मंडेला जो थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, इसलिए उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति ने इतने लंबे संघर्ष के बाद भी अपने देश की आज़ादी के लिए अपने अंदर जलती हुई लौ को कभी बुझने नहीं दिया, और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने साथ में
आपने पूरे देशवासियों को इस मुसीबत से आज़ाद कराया। इन्हीं को कहते हैं ट्रू पैट्रियट, सत्य देशभक्त। मंडेला को आप पहचान भी सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मंडेला का फोटो देख सकते हैं और उन मिलिट्री जनरल को भी देख सकते हैं जिन्होंने इनके सामने सलूट किया। ये वही मिलिट्री जनरल हैं जो कि कुछ समय पहले श्वेत लोगों के अधीन थे और उनके आदेशों के अनुसार इनको अरेस्ट भी किया था, इनको प्रताड़ित भी किया गया था और इनको इनके अधिकारों से वंचित भी किया गया था। ये वही सभी लोग हैं जिन्होंने इनके साथ शपथ ली और आगे से इनके साथ पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बात रखी। चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। व्हाई मैंने क्यों, वेयर टू नेशनल एंथम संग मतलब दो राष्ट्रगीत क्यों गाए थे या फिर जो दो राष्ट्रगान थे, गीत नहीं सॉरी हम राष्ट्रगान बोलेंगे, दो राष्ट्रगान एक साथ क्यों गाए गए थे। तो इसके लिए ये बात थी कि ऑन द डे मैंने उस दिन ऑफ द इनॉग्रेशन समारोह के दिन टू नेशनल एंथम वेयर संग दो राष्ट्रगान गाए गए थे, वन बाय द वाइट्स जिनमें से एक श्वेत लोगों के लिए था एंड द अदर बाय द ब्लैक और एक काले लोगों के लिए था। दिस सिंबलाइज्ड द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स, यह प्रदर्शित करता है समानता के अधिकार को, ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स माने काले और गोरे लोगों के बीच समानता के अधिकार को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि कल तक श्वेत लोगों की सरकार थी तो उन्होंने ब्लैक लोगों को अधिकारों से वंचित रखा था, आज नेल्सन मंडेला की सरकार है तो वो लोग श्वेत लोगों को अगर उनके अधिकारों से हटा देते हैं तो यह वही बात हो जाएगी जैसा कि वो इनके साथ कर रहे थे। तो इस बात को लागू न किया जाए और दोनों पक्ष खुश रहें इसलिए उस दिन दो राष्ट्र गान गाए गए थे जिसमें से एक श्वेत लोगों के लिए था और एक ब्लैक लोगों के लिए था। ये हमारे नेल्सन मंडेला जी जिस दिन राष्ट्रपति बने थे वो 10 मई 1994 का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसमें जिस दिन उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और वो पहले व्यक्ति थे जो लगभग 400 वर्षों के बाद में या फिर चार सदी के बाद में एक आश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे या फिर ये कह सकते हैं एक लंबे समय के बाद में एक ब्लैक व्यक्ति के रूप में चुने गए थे जो कि राष्ट्रपति थे और एक अच्छी जीत पाए थे वो। चलिए देखते हैं आगे। व्हाई ट्विन ऑब्लिगेशन, क्या दो कर्तव्य हैं, डज मंडेला मेंशन, मतलब मंडेला के अनुसार जो दो कर्तव्य व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति की बात करूं, किसी भी व्यक्ति के दो कर्तव्य कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके हमारे और हम सब के ये दो कर्तव्य बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि हमें करने चाहिए। एक कर्तव्य हमारा हमारे परिवार के प्रति होता है जिसमें से माँ माता पिता भाई बहन बच्चे या फिर अन्य कुटुंबवासी होते हैं, तो एक कर्तव्य हमारा अपने समाज या परिवार के प्रति होता है और एक कर्तव्य हमारा देश के प्रति होता है। इन दोनों कर्तव्यों को हमें लेकर चलना पड़ता है, प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि हम इन दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करें, लेकिन कभी किसी कारणवश यदि हमें किसी कर्तव्य को पहले चुनना पड़े तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए क्योंकि उसी देश के हम लोग वासी हैं। अगर हमारा देश खुशहाल होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें हम सभी लोग भी खुशहाल होंगे। तो मंडेला इसमें देखते हैं, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो मुख्य कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, एक उसका परिवार के प्रति है, पेरेंट्स माता पिता के प्रति, वाइफ पत्नी के प्रति एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति, मतलब पहले कर्तव्य में कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को शामिल किया गया है जिसमें से उसकी परिवार है, माता पिता हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं। और एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और जो दूसरा उसका कर्तव्य है, इज टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति है, हिज कम्युनिटी उसके समुदाय के प्रति है एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति है, मतलब दूसरे कर्तव्य में उसके जो लोग हैं, उसकी जो समाज है, समुदाय है और उसकी जो कंट्री है, देश है, वो सभी लोग उसके दूसरे कर्तव्य में आते हैं। इन दोनों कर्तव्यों को व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। मंडेला की पत्नी है, इसको देख सकते हैं आप, और ये मंडेला हैं बगल में जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके बाद में मैं कुछ खास चीज़ आपको बता दूं, हो सकता है इसकी जानकारी आपके पास है या नहीं है। ये मंडेला की पूरी ट्री है, मतलब मंडेला की कितनी पत्नियां थीं, कितने बच्चे थे,
कितने नाती पोते थे, ये सभी लोग इस सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत खास चीज़ है, हो सकता है आपके पास शायद ना हो। तो मंडेला के तीन पत्नियाँ थीं, एक शादी हुई थी मंडेला की सन 1944 में, और इसका डाइवर्ट भी हो गया था, सॉरी इसका डिवोर्स भी हुआ था। इस कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इस पत्नी के एक पुत्र थे, इसी पत्नी की एक बेटी थी, इसी से दूसरा सन भी था, और इसी से दूसरी बेटी भी थी। मतलब कुल मिला के कितने हुए इसके पास? चार बच्चे यहाँ से हुए आप इसके, मतलब दो लड़के और दो लड़कियाँ। पहली पत्नी से इसके दो लड़के थे, जिसमें से पहले को आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और दूसरा लड़का ये है आपका, तीसरा ये एक बेटी है, यहाँ पर एक बेटी है। तो ये जो लड़का था, पहला लड़का, इसकी जो मृत्यु बताई गई है इसमें, इसकी कार क्रश में, एक कार क्रश के दौरान पे इसकी मृत्यु हुई है। दूसरा जो है ये भी डेड इन ए इन्फेंसी, मतलब किसी कारणवश मरा है। ये जो अगला पुत्र है इसका डेड ऑफ एड्स के कारण मरा है, और एक पुत्री इसकी है, ये है, इसकी कोई जानकारी ऐसी इसमें है नहीं है। तो एक पुत्री ये है इसकी, ठीक है। इसके बाद में कुल मिला के ये समझते हैं, इनकी तीन पत्नियां हैं, जिसमें से पहली पत्नी के दो लड़के और दो बेटियां थीं। इसके बाद में इनकी दूसरी वाइफ है, जिससे इनकी शादी हुई थी सन 1958 में, इनसे भी इनको इसके बाद में इनकी तीसरी पत्नी है, ये है आपकी, इनकी शादी हुई थी 1997 में, सॉरी 98 में तीसरी। ये तीन पत्नियां हैं इनकी, जिसमें से पहली पत्नी के चार बच्चे और दूसरी पत्नी के दो बेटियां थीं। तो ये जो जेनानी थी, जेनानी का जिक्र जो आता है इसमें, इस अध्याय के अंतर्गत में, ये दूसरी पत्नी की पहली बेटी थी, जिसको तीसरी बेटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि दो बेटियां पहली पत्नी की थी और दो बेटियां दूसरी पत्नी की थी। इस तरह सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला वाज बोर्न। नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को हुआ था, एंड डेड, और उनकी मृत्यु हुई थी एज 95, मतलब 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, ऑन 5 दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई थी। हिज लार्ज एंड ग्रोइंग फैमिली, उनकी एक बड़ी फैमिली थी, जिसमें से इसके कितने थे? 3 वाइफ्स, 3 पत्नियाँ, 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे थे, 17 ग्रैंड चिल्ड्रन, और 17 इसके नाती थे, मतलब बच्चों के बच्चे, और 19 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और उन मतलब नातियों के भी जो बच्चे हुए वो 19 थे कुल मिला के। इस तरह ये एक बहुत बड़ी फैमिली थी, जो फैमिली स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। तो कुल मिला के आपको अगर कभी पूछता कि जेनानी किसकी पुत्री थी, तो जेनानी इनकी दूसरे नंबर की जो पत्नी थी, उनकी पहली बेटी का नाम जेनानी था, जिसका जिक्र यहाँ पर आता है, ठीक है। ये हालांकि ये चीज़ें आती नहीं है, लेकिन फैमिली ट्री मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको इससे देखने को मिले। अगर इससे आप कुछ सीखना चाहते हैं या फिर इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इनके बारे में देखकर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार जो साहसी व्यक्ति होता है वो कौन होता है या क्या होता है? तो मंडेला लर्न्ड, मंडेला सिखाते हैं, दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज मतलब साहस का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास भय नहीं है, या फिर भय से आप अब्सेंस है, मतलब भय आपके आसपास नहीं है, या फिर आप भयभीत नहीं होते हैं। बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन असली साहसी वही व्यक्ति है जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मंडेला के अनुसार साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसको भय नहीं लगता है, बल्कि साहसी उसे कहते हैं जो भय पर विजय प्राप्त कर ले, उसे कहते हैं साहसी। अगला प्रश्न है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट। मतलब उनके अनुसार जो प्यार या नफरत है, उनमें से क्या चीज़ नेचुरल तरीके से आ जाती है? तो मंडेला के अनुसार लव कम्स मोर नेचुरली। जो प्यार है ना, वो आपके पास नेचुरल तरीके से आ जाता है, टू द ह्यूमन हार्ट,
देन हेट, मतलब नफरत की अपेक्षा जो प्यार है वो आपके मन में बड़े आसानी से आ जाता है। यदि आप किसी से कितना भी नाराज़ हों, आप विचार करके देखिए अपने आप में, यदि आप किसी व्यक्ति से कितना भी नाराज़ हैं, आपके सामने एक हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा आ जाएगा, वो किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, आपका मन ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, यदि आप बहुत नाराज़ हैं, रुष्ट हैं, किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जो बहुत ही शांत हो, खूबसूरत हो, प्राकृतिक जगह हो, बिना कहे आपका मूड सही हो जाएगा, इसकी हमारी गारंटी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये जो लव है, जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के हृदय में नेचुरल तरीके ही से ही जन्म ले लेता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर खुश हो जाते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन दुखी होने के लिए आपको कारण चाहिए, मतलब दुखी होने के लिए आपको कारण चाहिए, लेकिन खुश होने के लिए आपके आपको कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप 100 तरीके से खुश हो सकते हैं, लेकिन आपको गुस्सा होने के लिए या फिर किसी से नफरत करने के लिए एक कारण की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रेम है वो किसी भी व्यक्ति में एक नेचुरल तरीके से आ सकता है, किसकी अपेक्षा, नफरत की अपेक्षा। तो क्यों ना हम नफरत की जगह किसी व्यक्ति से प्रेम की भावना रखें और सामंजस्य की भावना रखें। तो वही चीज़ मंडेला जी भी बोलना चाहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ नफरत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, किस प्रकार मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई या फिर व्हाई नॉट, मतलब ये बात सही है या फिर नहीं है, ऑपरेसर फ्री है या नहीं है। तो मंडेला डज नॉट फील, मंडेला नहीं महसूस करते हैं दैट द ऑपरेसर इज फ्री, कि ऑपरेसर मतलब उत्पीड़क जो होता है, जो परेशान करने वाला व्यक्ति होता है, वह फ्री है। मंडेला सोचते हैं कि जो उत्पीड़क है, परेशान करने वाला व्यक्ति है, वह कभी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उनके अनुसार एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, कि जो एक ऑपरेसर होता है, जो उत्पीड़क होता है, वह कहीं ना कहीं नफरत का कैदी हो जाता है। प्रिजनर माने कैदी, ऑफ हेट्रेड माने नफरत का, वह नफरत का कैदी हो जाता है। हु इज लॉक्ड, जो बंद हो जाता है, बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजेस एंड नैरो माइंडेड, जो कहीं ना कहीं छोटी सोच के पीछे और प्रिजज, प्रिजज का मतलब क्या कहेंगे आप, इसको प्रिजज ही समझ लीजिए, इसकी मीनिंग नहीं मुझे याद आ रही है, ये प्रिजज और नैरो माइंडेड, इसकी छोटी सोच के पीछे कहीं ना कहीं ये बंद हो जाता है, ये लॉक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेसर होता है वह किसी भी तरीके से फ्री नहीं है। ही फील्स, वो महसूस करते हैं दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, मतलब जो उत्पीड़क है और उत्पीड़ित है, आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो कहीं ना कहीं मानवता को लूटने वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब जुल्म सहना भी पाप है और जुल्म करना भी पाप है, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अगला है, व्हाट प्रोमिस डज मंडेला, मंडेला क्या प्रोमिस करते हैं, मेक इन द बिगनिंग ऑफ पीपल ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच, मतलब अपने पहले भाषण में या फिर शपथ लेते समय मंडेला क्या वादा करते हैं। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद करते हैं, एंड गेस्ट और मेहमानों को भी धन्यवाद करते हैं, ए जी कालेट जिन्हें की बुलाया गया था, इन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिक, जिन्हें की जॉय खुशी और विक्ट्री जीत के समय फॉर जस्टिक्स और न्याय के लिए उन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। ही प्रोमिस, उन्होंने वादा किया दैट द कंट्री सेल नॉट अगेन एक्सपीरियंस, इस राज्य को दोबारा कभी नहीं अनुभव करना पड़ेगा द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, मतलब एक दूसरे के प्रति जो ये अन्याय था, इस चीज़ का कभी भी उन्हें दोबारा अनुभव नहीं करना पड़ेगा। इसकी अगली सीरीज देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें इसके और कुछ खास प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, और साथ ही इसका जो लॉन्ग आंसर होगा, जो कि संपूर्ण अध्याय का सिर्फ एक ही लॉन्ग आंसर बनाया गया है, वह भी आपको देने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस अध्याय से पूछी जा सकती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा वीडियो वास्तव में आपने पूरे यूट्यूब में और ऑफलाइन की क्लास में भी नहीं देखे होंगे, ऐसे प्रश्नों के संग्रह जो कि परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो अगला पार्ट इसका देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, धन्यवाद। कहता है व्हाट फ्रीडम मीन्ट मंडेला इन चाइल्डहुड, मतलब मंडेला के अनुसार जो फ्रीडम है इसका अर्थ क्या है, मतलब बचपन में फ्रीडम का अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि मैं बचपन की बात करूँ तो बचपन में आप हूँ या मैं हूँ या फिर अन्य कोई भी बच्चा हो, प्रत्येक बच्चे को खेलने कूदने की पूरी आज़ादी मिल जाए
और प्रत्येक बच्चा अपने मन का कुछ भी कर सके, बस इससे बड़ी आज़ादी उसके लिए कुछ और नहीं होती। उसे कोई देश से मतलब नहीं होता है, उसे कोई समाज से मतलब नहीं होता है। मतलब एक बच्चा अपने आप को जितना आज़ाद महसूस करे, यही उसके लिए सबसे बड़ी आज़ादी होती है। तो मंडेला के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड बचपन के दौरान, द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अर्थ था फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार वाज क्वाइट लिमिटेड, वो एक सीमित दायरे के अंतर्गत में था। ही कंसिडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड, वह खेतों में दौड़ने को स्वतंत्रता मानता था। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में तैरने के लिए वह अपने आप को स्वतंत्र मानता था। फ्री टू रोस्ट मील्स, खाने के लिए जो भी था उसको अपने मन का मिले तो उसे वह अपनी स्वतंत्रता मानता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और जो चौड़ी पीठ वाले हैं, ऑफ स्लो मूविंग बैल्स बुल्स, जो कि बैल जिनकी पीठें चौड़ी हैं उनके ऊपर वो बैठकर सवारी करने को भी अपनी स्वतंत्रता मानता था। तो आपने कहीं ना कहीं सीखा कि मंडेला के अनुसार बचपन में स्वतंत्रता का अर्थ क्या था, तो आप ध्यान से देखा होगा आपने। इसके बाद में प्रश्न तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि इसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसको समझ आया कि वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको समझ में आता है कि मेरी किन किन स्वतंत्रताओं का हनन हो चुका है। इसी तरह इसको भी मालूम हो गया था कि मैं और मेरे भाई बहन जितने भी हैं, या फिर ब्लैक पर्सन जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं श्वेत लोगों के अधीन हैं। इसलिए फिर उसको एक भूख जागती है स्वतंत्रता के लिए, और वो एक आंदोलन छेड़ता है, और उस आंदोलन में लास्ट में एक लंबे संघर्ष के बाद में विजय भी होता है। तो चलिए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे मालूम है। 11वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थेड? अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद नीति। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या जानते हैं बाय अपार्थेड, रंग भेद नीति के बारे में आपकी क्या राय है, या फिर आप क्या जानते हैं? तो जो अपार्थेड होता है, अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थेड एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, दैट डिवाइड्स, जो अलग कर देती है पीपल्स में लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उस लोगों को उनकी रेस का मतलब ये कह सकते हो, यदि लोग आपके किसी भी जगह भाग ले सकते हैं, या फिर कह सकते हो अधिकार। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है अपार्थेड का, ये कहना कहीं लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है। तो इस पाठ में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर काले लोग जो भी थे उनको अधिकार नहीं दिए गए थे, वे श्वेत लोगों के बराबर अधिकार नहीं रखते थे, वो उनके गुलाम थे, वो उन्हें उनके हिसाब से काम करना होता था। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें सीखी हैं। अगला देखते हैं। व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन? नेल्सन मंडेला जो थे वो किस प्रकार परिवर्तित हो गए एक बोल्ड मैन, माने एक मजबूत आदमी के रूप में? एक कमजोर व्यक्ति भी कैसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आपके सामने आया? तो इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप भी दुर्बल हैं, और यदि लगातार आप किसी द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप पलट के खड़े हो जाएंगे कि ये तो तुम रहोगे या तो मैं। ये हमारे यहाँ की भारत की एक तरीके से नीति है ये, कि यदि एक लंबे समय तक हमें किसी ने दबाव डाला, या फिर हमें किसी ने प्रताड़ित किया, तो हम भी कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो यही घटना घटी नेल्सन मंडेला के साथ में, कि नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन। नेल्सन मंडेला एक बहादुर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए ड्यू टू हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के कारण, ऑफ द फ्रीडम, माने स्वतंत्रता की, अपनी स्वतंत्रताओं की इच्छाओं के कारण वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में सामने आए। फॉर हिज कंट्री, मैंने अपने देश में, एंड हिज कंट्री मैन, और अपने देशवासियों के लिए, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, वह अपने जीवन को पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, और वह एक सीमित स्वतंत्रता में एंजॉय नहीं करना चाहते थे, मतलब सीमित स्वतंत्रता को वो अपनी स्वतंत्रता नहीं मानते थे।
मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते एक बार। नेल्सन मंडेला वॉज चेंज इंटू ए बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिजायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्री मैन। वह अपने और अपने लोगों के लिए, या फिर वह अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, या वह अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा के लिए एक कमजोर व्यक्ति से एक बहादुर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। ही वॉन्टेड टू लिव ए लाइफ विथ डिग्निटी। वह अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय। वह आनंद नहीं लेना चाहते थे द लिमिटेड फ्रीडम, माने छोटी सी स्वतंत्रता का। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया है ये। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डिड हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज मंडेला लाइफ। मतलब जो हंगर ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्रता की भूख थी, वह किस प्रकार मंडेला के जीवन को प्रभावित करती है या फिर परिवर्तित करती है। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, मतलब जीवन की शुरुआत में, मंडेला वॉज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम। मंडेला स्वतंत्रता नाम के शब्द से परिचित नहीं थे। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, जीवन के प्रारंभ में, मंडेला वॉज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम। मंडेला स्वतंत्रता से परिचित नहीं थे। लेटर वाने बाद में, मंडेला फाउंड दैट, मंडेला ने पाया कि हिज फ्रीडम हैज नॉट टेकन अवे फ्रॉम हिम। मंडेला ने पाया कि उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया गया है। एज ए स्टूडेंट, जब वो बालक थे या फिर जब वो पढ़ रहे थे, तो ही वॉन्टेड फ्रीडम, तो वह स्वतंत्रता चाहते थे ओनली फॉर हिमसेल्फ, माने अपने आप की। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम, उनकी स्वयं की स्वतंत्रता ने, बिकम ए ग्रेटर हंगर, उनके अंदर एक बड़ी भूख जगा दी फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए भी स्वतंत्रता पाने की उनके अंदर एक भूख जगा दी। दिस चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, इस बात ने उनको पूरी तरह बदल के रख दिया। चलिए फिर से देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा कठिन लगा हो, कठिन नहीं है, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के प्रारंभ में, मंडेला वॉज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम। मंडेला फ्रीडम के अर्थ को नहीं जानते थे। अवेयर माने होता वैसे ध्यान देना, तो मंडेला फ्रीडम नाम के शब्द से परिचित नहीं थे या फिर उनको इस विषय का ज्ञान नहीं था। लेटर माने बाद में, मंडेला फाउंड, मंडेला ने पाया कि, दैट माने होता कि, हिज फ्रीडम हैड टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया गया है। एज ए स्टूडेंट, जब वो बालक थे या फिर जब वो पढ़ रहे थे, ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, तो वो सिर्फ अपने आप की स्वतंत्रता को चाहते थे। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेट हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह भूख जो थी, लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई, या फिर वो अपने स्वतंत्रता के साथ में उनके एक अंदर एक बड़ी भूख जागी फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी भूख जागी। दिस चेंज हिम कम्प्लीटली, इस बात ने उनको पूरी तरह बदल के रख दिया। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। मतलब जो इनॉग्रेशन हुआ था, समारोह हुआ था, उसको एक सामान्य शब्दों में, ये सरल शब्दों में आप दर्शाइए। तो इट वॉज द डे ऑफ 10th May 1994। ये जो दिन था, ये 10 मई 1994 का था। देखिए, यही प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर के रूप में भी आ चुका है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग आता है तो कुछ और प्रश्न जो थे, जो इसके आसपास से लिए गए थे, आप एक आध प्रश्नों को इसमें जोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक लॉन्ग बन जाएगा। नहीं तो लॉन्ग आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो कि कम्प्लीटली पूरे पाठ के लिए एक ही है। इट वॉज द डे ऑफ 10th May 1994। यह दिन था 10 मई 1994 का, जब द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो पहली लोकतांत्रिक, नॉन रेसिकल, रंग विहीन गवर्नमेंट, माने सरकार, वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। मतलब जब पहली बार ऐसा हुआ था जब एक रंग भेद विहीन या रंग भेद विहीन लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। डिग्निटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न तरह के जो आपके मुख्य अतिथि थे या फिर जो लोग थे, पार्टिसिपेट, माने भाग लिया था इन द सेरेमनी, माने इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न कंट्री के भिन्न भिन्न लोगों ने भाग लिया था। साउथ अफ्रीकन मैन, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वुमेन माने औरतें थीं, एंड चिल्ड्रन और बच्चे थे, ऑफ ऑल रेसेस वेयर प्रेजेंट हियर, वे सभी लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो भी साउथ अफ्रीका के
जो लोग थे, महिलाएं थीं और बच्चे थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव माइंड अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ द लेसन। मतलब इस अध्याय में जो करेज, जो साहस नाम का शब्द है, उसका एक बहादुर व्यक्ति के लिए क्या अर्थ है। हाउ इज द करेज, जो साहस है, रिलेटेड माने निर्भर करता है, टू द ब्रेव मैन माने बहादुर आदमी के लिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन। इस अध्याय में जो बहादुरी का शब्द आया है या फिर साहस जो शब्द आया है, वो किस प्रकार एक बहादुर व्यक्ति के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। तो द ऑथर बिलीव्स, जो लेखक है, बिलीव्स माने महसूस करता है या विश्वास करता है, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास भय नहीं है, बट इट इज ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि आप इस पर विजय प्राप्त करें। मतलब साहस का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास भय है ही नहीं है, लेकिन साहस का अर्थ ये होता है कि जो भी भय है आप उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन इज नॉट द ओनली वन, बहादुर आदमी सिर्फ वह नहीं होता, हु डज नॉट फील फियर, जिसको भय महसूस हो, ऑफ काइंड विभिन्न एनी कैंड मैंने किसी प्रकार के बट माए, लेकिन ही इज द वन, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति होता है हु हैज करेज टू कनक्योर इट, जो कि उस पर विजय प्राप्त कर ले। मतलब यहाँ तक भी आधा उत्तर भी आपका सही है और पूरा भी लिखेंगे तो भी ठीक है, दोनों यहाँ पर, यहाँ तक का जो अर्थ है वही आपका कहीं ना कहीं आगे भी निकल रहा है, तो ये पूरा भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी, मतलब रंग भेद नीति की पॉलिसी थी, उसने किस प्रकार लोगों को प्रभावित किया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अपार्थाइड की पॉलिसी कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड डीप वाउंड इन द कंट्री एंड द पीपल। मतलब ये जो पॉलिसी थी, इसने कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले लोगों से अधिकारों को हनन किया था, अधिकारों को छीना था, और उनके हृदय में एक गहरा और ना मिटने वाला घाव दे दिया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसकी अगली श्रृंखला में देखिए आप लॉन्ग आंसर को देखेंगे। यह लॉन्ग आंसर क्या है, पूरे चैप्टर का एक ही लॉन्ग आंसर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न कोई भी आ जाए आप उसी लॉन्ग आंसर को लिखें, तो इसलिए आप अगली सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें। यह पाठ कहने के लिए कठिन ज़रूर है, लोगों ने यही कहा है कि कठिन है, वास्तव में मैं बोलूँगा कि थोड़ा तो कठिन है, क्योंकि इसमें जो शब्दों का यूज हुआ है बिल्कुल नए शब्द हैं, मीनिंग कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी पाठ को बहुत ही रोचक ढंग से मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और इसके जो अगले पार्ट में आप लॉन्ग आंसर को सीखेंगे। आज इस पार्ट पे हम लोग लॉन्ग आंसर देखने जा रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना ही होगा कि वह एक अश्वेत राष्ट्रपति थे, एक लंबे समय तक उन्होंने संघर्षों को झेला, अपने परिवार से अलग रहे, पुलिस प्रशासन ने उनको प्रताड़ित किया, बहुत से जुल्म सहे उन्होंने, और इसकी बात कहीं ना कहीं विजय प्राप्त की। तो ये पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लॉन्ग आंसर के आने की पूरी संभावना आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। थोड़ा कठिन अध्याय, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि समझा ना जा सके, आप इसको समझिए। और बहुत ही आसान शब्दों में हमने लॉन्ग आंसर को किया है। कोई भी प्रश्न आता है आपके पेपरों में, आप इसी लॉन्ग आंसर को लिखकर उसमें पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी है कि लॉन्ग आंसर ख़त्म होगा मेरे द्वारा और आपको याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए शुरुआत से हम एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक माने काले प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक पर्सन थे जिनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ही वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री। ही वॉज नॉट बोर्न, वह पैदा नहीं हुए थे, विथ हंगर माने भूख के साथ में, टू बी फ्री माने स्वतंत्रता की, वह स्वतंत्रता की भूख के साथ में पैदा नहीं हुए थे। ही वॉन्टेड फ्रीडम, ही wanted to freedom for his people, वह अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। When he knew, जब उन्होंने जाना कि his
पीपल वेयर नॉट फ्री, क्योंकि लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो ही बिगेन टू हंगर फॉर देयर फ्रीडम, तो वह उनके स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर क्या हुआ, बिगेन टू हंगर माने भूख जाग गई, उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए भूख जाग गई, टू गेट फ्रीडम स्वतंत्रता पाने के लिए फॉर हिज पीपल ने अपने लोगों की, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड जो रंग भेद की नीति थी, रंग भेद नीति से अपने लोगों की स्वतंत्रता को पाने के लिए नेल्सन मंडेला हैड सफर्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी परेशानियों को झेला, या फिर नेल्सन मंडेला हैड सफर्ड माने कष्ट में रहे, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बहुत सारी परेशानियों के कष्ट में रहे, तो आप ये कह सकते हैं नेल्सन मंडेला ने बहुत अधिक कष्ट सहन किया, ही वॉज पनिश्ड उन्हें दंडित किया गया, आइसोलेटेड माने अलग कर दिया गया, एंड पुट इन टू द जेल और उनको जेल में भी रखा गया, ही सफर्ड हंगर वह कष्ट में रहे, हंगर उन्होंने भूख सही, इनजस्टिस अन्याय सहा, बट केप्ट द फ्लेम लेकिन जलाते रहे, ऑफ द इंडिपेंडेंस बर्निंग स्वतंत्रता की आग को, इन झट मैंने अपने हृदय में, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में स्वतंत्रता की आग, यह स्वतंत्रता की आग के लिए लो, फ्लेम का मतलब होता है लो, स्वतंत्रता के लिए जो उठने वाली आग थी उसकी लो को अपने हृदय में जला कर रखा, हिज करेज उनका साहस, स्ट्रगल मैंने संघर्ष, एंड अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस और उनका जो एक सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान था, उनका जो बलिदान था बोर फ्रूट मतलब वो फलीभूत हुआ, एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम और साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थेड इस रंग भेद नीति से, ऑन 10 मई 1994 को उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। फिर से एक बार समझ लें इसको, हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे आपको, सरल है, एक एक शब्दों का मैंने अर्थ बताया है, फिर से हम अर्थ देखें। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ही वाज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, वह स्वतंत्रता की भूख को लेकर पैदा नहीं हुए थे, ही वॉन्टेड टू फ्रीडम फॉर हिज ऑफ हिज पीपल, वह अपने लोगों की स्वतंत्रता को चाहते थे, वेन ही न्यू जब उन्होंने जाना कि हिज पीपल वेयर नॉट फ्री कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो ही बिगेन टू हंगर फॉर दियर फ्रीडम, तो वह उनकी भूख के लिए सॉरी तो वो उनकी स्वतंत्रता के लिए भूखे रहने लगे, इसका मतलब कि उनके अंदर स्वतंत्रता की भूख जागी जब उन्होंने जाना कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, टू गेट फ्रीडम स्वतंत्रता को पाने के लिए फॉर हिज पीपल मैंने अपने लोगों की, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थेड इस रंग भेद नीति से, नेल्सन मंडेला हैज सफर्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी परेशानियों को सहन किया, ही वॉज पनिश्ड वह दंडित किए गए, आइसोलेटेड अलग रखा गया, एंड पुट इन द जेल और उनको जेल भी भेज दिया गया, ही सफर्ड हंगर कष्ट झेलते हुए उन्होंने भूख सही, इनजस्टिस अन्याय सहा, बट केप्ट द फ्लेम लेकिन उन्होंने उस लो को जलाए रखा, ऑफ द इंडिपेंडेंस बर्निंग जो कि स्वतंत्रता के लिए उठी थी, इन झर्ड माने हृदय में, जो लो उनके हृदय में स्वतंत्रता के लिए उठी थी उसे उन्होंने जलाए रखा, हिज करेज उनका साहस, स्ट्रगल माने संघर्ष, एंड अनपैरेलल सैक्रिफाइस और उनका जो बलिदान था बोर फ्रूट माने फलीभूत हो गया, एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम और साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिल गई, फॉर द रूल ऑफ अपार्थेड इस अपार्थेड की नियम से, ऑन 10 मई 1994 10 मई 1994 को वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गए थे, एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ भी ली थी। ये था लॉन्ग आंसर, पूरे अध्याय में आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसी प्रश्न को लिखकर आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं।